नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब 6 मार्च को एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में फाइनली कोर्ट की तरफ से 6 मार्च की तारीख तय कर दी गई है। मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में 6 मार्च को एक बड़ा खुलासा होगा और पूरे बॉलीवुड में तबाही मच जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बहुत ही बड़ी साजिश रची गई थी। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को जो बड़ी घटना हुई उसे एकाएक अचानक ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि उससे पहले भी बॉलीवुड में एक बहुत ही गंभीर खिचड़ी पकी थी, जिसके बाद ये फैसला हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या करना है। ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार के एक वकील हैं जो कि कह रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 6 मार्च को पूरा बॉलीवुड आप सभी को कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब अचानक से एक बड़ी घटना हुई 14 जून की रात को, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बॉलीवुड में नेपोटिज्म का सहारा लिया गया। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के एक वकील हैं जिन्होंने सुशांत के साथ बड़ी घटना होने के बाद ठीक 17 जून को ही एक बड़ी रिपोर्ट करी थी और उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म का ही शिकार हुए हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने पूरे बॉलीवुड को अब कोर्ट के अंदर घसीटने की कोशिश की है, जिस पर 6 मार्च को फैसला आने वाला है। आपको बता दें कि इस केस में करण जौहर, साथ ही साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, साथ ही एकता कपूर और इसके साथ ही दिनेश विजान और भी बहुत सारे ऐसे बड़े सेलिब्रिटी हैं जो कि इस केस में अब 6 मार्च को कोर्ट में घसीटे जा सकते हैं। आपको बता दें कि इन सभी के ऊपर नेपोटिज्म का आरोप लगा है और कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ नेपोटिज्म किया गया, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को काफी परेशानी हुई। और इतना ही नहीं, उनके पास फिल्में आना भी बंद हो गई थी और उनके लिए बॉलीवुड में हर कदम रखना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा था। और इसी वजह से बिहार के इस वकील ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने कोर्ट में इस मामले को अब पहुंचा दिया है, जिसके बाद अब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होने वाली है और 6 मार्च को पता चल जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ कितनी ज्यादती की गई थी और कैसे उनको एक सुपरस्टार बनने के बाद भी बॉलीवुड में काम नहीं मिल पा रहा था। आपको बता दें कि इस केस में जिस तरह से करण जौहर का नाम आया है, तो इसके बाद तो करण जौहर की परेशानी एक बार फिर से निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद तो करण जौहर ऑलरेडी एक बार ड्रग्स केस में घसीटे जा चुके हैं। अब एक बार फिर से इनका इस तरह से इस केस में नाम आ जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बॉलीवुड वालों के अब बुरा दिन चालू हो चुका है और इससे शायद इनको अब कोई भी नहीं बचा सकता। आपको बता दें, अगर कोर्ट इस केस में ईमानदारी से अपना फैसला सुनाएगा तो निश्चित ही बॉलीवुड वालों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाएगी और पता चल पाएगा कि आखिर बॉलीवुड की सच्चाई है क्या। क्या रियल में सुशांत सिंह राजपूत के साथ नेपोटिज्म हुआ था, ये तो 6 मार्च को पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या रियल में सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म का शिकार हुए, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी आई थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो घटना हुई उससे कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत बेहद ही ज्यादा कमजोर और मायूस नजर आ रहे थे, जिसमें देखने के बाद ही लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपको जो कुछ भी लगता है आप हमें कमेंट करके बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।